हमें कोई जानकारी नहीं है। मंत्रालय ने बोला कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि नरेगा मजदूरों का धरना चल रहा है जंतर मंतर, जबकि हम खुद वहां गए, उनके पास गए। तो सरकार पूरी तरीके से आंख बंद करे हुई है और पूरा नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही है। एक मजदूर को क्या चाहिए? मजदूरी और काम चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आने में तो बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन उम्मीद लेके आए हैं कि आगे चलकर हमारे समस्या जो है वो समाधान होगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ हम यहाँ तक आए। समाज के साथ इज्जत के साथ चलने का जो अधिकार देता है, दूसरी तरफ जब आप सरकारी सिस्टम में बैठे लोग, नीतियों का निर्धारण करने वाले लोग, जब लोगों को एक ऐसे हाशिए पर ले जाते हैं जहां पे ना वो दो वक्त की रोटी ठीक से खा पाता है, ना अपने बच्चों का देखभाल ठीक से कर पाता है, इस धरने की मुख्य वजह यह रही है कि पिछले बीते कई सालों से नरेगा के जो बजट हैं और जो नरेगा पूरा काम है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कि वेज पेमेंट में डिले होता है, लोगों को काम ठीक से नहीं मिलता है, करप्शन की चीज़ हैं उसमें। और अभी रिसेंट में एक जो सबसे बड़ा हमला नरेगा पे हुआ है कि 1 जनवरी 2023 को डिजिटल अटेंडेंस, जो कि NMMS ऐप है, एक नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, एक डिजिटल अटेंडेंस की एक सिस्टम है, उसको लेकर आए हैं जिसमें मजदूरों का फ़ोटो खींचा जाता है, तो वो दिन में 2 बार किया जाता है। इससे बहुत बड़ा समस्या खड़ा होता है कि मजदूरों को काम करने के बाद उनका पेमेंट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनका फ़ोटो अपलोड नहीं होता है, नेटवर्क इश्यूज़, डिवाइस इश्यूज़, इन सब के कारण। क्योंकि गांव देहात में, यहां तक कि दिल्ली जैसे कैपिटल आपके जो देश का राजधानी है, वहां पे भी नेटवर्क का इशू है। तो गांव में जहां पहाड़ों पे, नदियों किनारे, जंगलों में काम होते हैं, वहां पे नेटवर्क की हम गुंजाइश भी नहीं कर सकते। मेरा नाम है विनीता तिग्गा, मैं महुआडा प्रखंड की हूँ, मेरा जिला लातेहार है, मैं आम बागवानी में काम कर रही हूँ। हम लोग के पास नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए NMS से नहीं हाजिरी बनता है। एक टाइम हाजिरी बनता है तो दूसरे टाइम नहीं बन पाता है, दोपहर का नहीं बनता है। कहीं जहाँ हम लोग आम बागवानी लगा आए हैं वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, माने वहाँ बना के दूसरे जगह हम लोग को उसको अथी करना पड़ता है, व्हाट्सअप करना पड़ता है। नरेगा मेट होता है काम में, नरेगा मेट मजदूरों के बीच का ही एक व्यक्ति होता है जिसको 4 रुपये अधिक मिलता है मजदूरी, तो वो ये सारा अटेंडेंस लेता है। तो आप भी मेट की तरह काम करते हैं? हाँ, हम भी मेट की तरह का, हम लोग को ट्रेनिंग दिया हुआ था तो हम लोग तो ट्रेनिंग तो किए हैं, लेकिन नेटवर्क के प्रॉब्लम से हम लोग उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पास फोन है आपका? हाँ है। अच्छा, तो बाकी मजदूरों के पास भी फोन होता है या वो आपका इस्तेमाल? हम लोग अपना फोन इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो आप ऐसे कितने मजदूरों को मदद करते हैं हाजिरी लगाने? हाँ, हम लोग हाजिरी लगाने के लिए 20 मजदूरों को लेना है, उसमें से कभी 10 लोग आते हैं, कभी 15 लोग आते हैं। अब वो नरेगा मेट को एक मोबाइल में फोटो अपलोड करनी है, फोटो अपलोड करना एक सर्वर में अपने आप में चुनौती होता है। कभी कभी मजदूर जब अपलोड करता है तो वो सर्वर पूरे दिन नहीं काम करता है, तो ऐसे में सरकार ने ये प्रोविज़न दिया है कि वो अप्लाई कर सकते हैं अपने ब्लॉक में या फिर एक जो अधिकारी उसको बता सकते हैं कि आज इस पर्टिकुलर वर्कसाइट पे ऐसा हुआ, तो वो मान जाएंगे। लेकिन ये कहाँ तक संभव है? एक मजदूर अगर अधिकारी के पास जाके ये बोले कि आज इस पर्टिकुलर वर्कसाइट पे ये ऐप नहीं चला और इतने लोगों ने काम किया, आप पैसा दे दीजिए, तो हम भी जानते हैं पावर स्ट्रक्चर किस रूप से काम करता है। वो अधिकारी उस मजदूर का या उस मेट का कितना सुनेगा, ये अपने आप में एक हास्यास्पद बात है। मेरा नाम सरिता बेक है, जिला लातेहार झारखंड की रहने वाली हूँ। फिलहाल तो ट्रेनिंग ले चुकी है मेट का, लेकिन अभी NMS के माध्यम से काम हो रहा है जिसके वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। सर मोबाइल नहीं है जिसके वजह से अभी काम नहीं कर रहे जी। 1 साल तो बिना NMS के काम किए, उसके बाद फिलहाल तो NMS के माध्यम से हो रहा है जिसके वजह से काम नहीं कर पा रहे। मेट का ID सबसे मिला हुआ है पर काम नहीं मिल रहा है बिना मोबाइल के वजह से। और ऊपर से जो मोबाइल का डेटा का चीज़ है वो मनरेगा में जो सिर्फ 4 रुपये अधिक पा रहा है, वेज का अलग ही इशू है कि आज भी हमें 225 रुपये मिलता है जबकि महंगाई इतनी है, डिमांड 800 रुपये की है मिनिमम वेज के अनुसार, और उस मनरेगा मेट को जो 4 रुपये अधिक मिल रहा है 225 के करीब, उसको आप डेटा का भी कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं कि इंटरनेट डेटा या फिर मोबाइल भी।
सरकार का ये कहना है, और जॉइंट सेक्रेटरी से जब हमारी मीटिंग भी हुई तो ये कहना है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं नरेगा से, लेकिन इन सारी चीज़ों से और भ्रष्टाचार हो रहा है। झारखंड में अभी 21 तारीख को एक आया था केस, जहां पे बाज़ार में एक आदमी को खड़ा करके वो फ़ोटो खींच के डाल दिया गया था ऐप में कि ये यहां पे काम हो रहा है। तो इस तरीके से करप्शन उस ऐप से भी किया जा रहा है, बड़े स्तर पे किया जा रहा है। बेसिकली सरकार सब कुछ सेंट्रलाइज्ड करने की जो कोशिश कर रही है उससे करप्शन या ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं आएगा, जबकि और वो बुरे स्थिति में जाएगा। इसके अलावा आधार बेस्ड सिस्टम भी लेकर आई है सरकार 1 फरवरी से, कि उन मजदूरों को ही अकाउंट में पैसा जाएगा जिनके बैंक अकाउंट आधार से लिंक हैं, और साथ साथ जो जॉब कार्ड होता है नरेगा में वो भी अकाउंट से लिंक होना चाहिए। और इन दोनों के लिंक होने के बाद जो एक मैपर होता है नेशनल, एक जो नेशनली एक मैपर सरकार ने बनाया है पेमेंट सिस्टम के लिए, वो उससे भी लिंक होना होगा। तो ये सारी दुविधाओं के साथ इस तरह की चीज़ लाई गई है, जबकि ऑन सरकार के ही फैक्ट्स के अनुसार मोर देन 50% वर्कर्स आर नॉट लिंक्ड विद द आधार कार्ड। जब से आधार आया है तब से मजदूरों को काफ़ी सारे परेशानी हो रहा है। एक तो कि उन जो वास्तविक मजदूर हैं उनके खाते में पैसा नहीं जा पा रहा है समय पे, और दूसरा चीज़ ये कि उनका बैंक में पहले आधार जब लिंक नहीं था खाता पे तो मतलब स्वतंत्र रूप से यूज कर पा रहा था, लेकिन अभी अगर महीना में एक बार दो बार भी ट्रांजेक्शन नहीं करता है तो उनका खाता होल्ड कर दिया जाता है, अपने आप होल्ड हो जाता है। आधार बोलते हैं कि आधार लिंक नहीं है जिसके वजह से पेमेंट नहीं हो रहा है, वही बोलकर वो लोग टाल देते हैं। तो जंतर मंतर अपने आप में ही एक मजाक बन के रह गया है कि इतनी छोटी जगह में इसको ख़त्म किया जा रहा है, और यहाँ धरना, जैसे हमने बोला कि हम अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं, इंडेफिनिट है, तो एक दिन से ज़्यादा का धरना यहाँ पे, अगर कोई बाहर से आ रहा है, मजदूर आ रहा है दिल्ली के बाहर से, तो उसके लिए असंभव है। अगर दिल्ली में उसका कोई साथी ना हो तो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। अभी झारखंड से कितने लोग आए? झारखंड से करीबन आज 50 लोग आए हैं। हम लोग इधर दिल्ली में रैन बसेरा में हैं। पहले ये अटेंडेंस मस्टर रोल फिजिकली होता था रजिस्टर में, उस मस्टर रोल की अपनी एक अहमियत थी, उसके लिए लड़ाई लड़ी थी मजदूरों ने, और वो मस्टर रोल एक तरह का एविडेंस होता था मजदूरों के पास कि उन्होंने काम किया है। और आज जब ये इस तरह का डिजिटल आया है तो वो एविडेंस भी जा चुका है। हम लोग NMS को हटा दिया जाए और हम लोग को जो शुरू का जो कागज है वही यूज किया जाए, जो अभी NMS के माध्यम से हाजिरी भर रहा है वो वापस लिया जाए, और जो पहले था वही फिर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।